नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वैनगंगा नदी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक विजय वडेट्टीवार, प्रशासन को दिए तात्काल पंचनामा करने के निर्देश। देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने की जा रही है तैयारी, सैनिकों की बहादुरी को स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। और अमरावती में जिला परिषद स्कूल में चौंकाने वाली घटना आई सामने, कक्षा में ही शराब पीकर शिक्षक ने की लघु शंका। विस्तार से गोसीखुर्द बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश और गोसीखुर्द बांध से पानी छोड़े जाने से वैनगंगा नदी में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ का पानी नदी के किनारे खेतों में घुस गया था। इससे खेतों में धान, सोयाबीन, अरहर समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ। इससे किसान परेशान हो गए, इसलिए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी तालुका के किन्ही, रुई, नीलस, गांगलवाड़ी खेतों में गए और क्षतिग्रस्त कृषि का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारियों को भी क्षतिग्रस्त कृषि का तात्काल बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर तहसीलदार उषा चौधरी, कांग्रेस पदाधिकारी और किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासनाला आम्ही सगळ्या सूचना दिल्याच आहे। प्रशासनाने कसून सगळे पंचनामेचं काम सुरू केलेलं आहे, परंतु शासनाला आमची अपेक्षा आहे की हे किमान 40,000 रुपये, 37-40,000 रुपये हेक्टरी जर दिले तरच शेतकरी उभा राहू शकेल आणि या संकटावर मात करू शकेल। अन्यथा भविष्यात शेतकऱ्याला जगणं कठीण झालेलं आहे, याचीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या संदर्भात लक्ष घालण्याची सरकारने आवश्यकता आहे। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पार करने के लिए फुट ओवरब्रिज के ऊपर अपने ऑटो रिक्शा को चलाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद पुलिस चालक को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हफ्ते पार्टी के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इस बारे में अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। यहां तक कि जब पार्टी द्वारा राहुल गांधी से अनुरोध किया जा रहा है, तब भी उन्होंने मांग को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठों के इस्तीफे के आह्वान को खारिज कर दिया, अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए तो इस पद का भार किसकी गर्दन पर पड़ेगा या फिर सोनिया गांधी को फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस पर गौर किया गया है। सोनिया गांधी ने भी खराब स्वास्थ्य के कारण अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि सभी की निगाह अब प्रियंका गांधी पर टिके, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर सदस्य चाहते हैं कि पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार के एक सदस्य के पास ही रहे। आम सहमति के अभाव में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है, जिस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी ने इस विवाद पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने एक समाचार चैनल को बताया है कि राहुल ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम उनसे राष्ट्रपति पद स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। अंत में उन्हें यह बताना होगा कि इस पद को कैसे भरना है। स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष के अवसर पर देश भर में नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी की गई है। उसी के अनुसार सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय सैनिकों की बहादुरी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इससे छात्र में देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। विशेष रूप से इस पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए सशस्त्र बलों से परामर्श किया जाएगा।
कोरोना संकट के चलते पिछले 2 साल से स्कूल नहीं खुलने से सरकार को नई शिक्षा नीति लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना के नियंत्रण में आने के बाद इस साल स्कूलों की शुरुआत हो गई है और ऐसे संकेत है कि अगले साल से एक नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में सशस्त्र बलों के वीर कर्मों और बलिदानों की कहानियां भी शामिल होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में पाठ्यक्रम में बदलाव और सैनिकों की बहादुरी को शामिल करने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में सशस्त्र बलों के वीर कर्मों और बलिदानों की कहानियां भी शामिल होंगी। चूंकि इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के अधिकारी मौजूद थे, ऐसे में इस तरह के अभ्यासक्रम के जल्द ही समावेश होने की संभावना मौजूद हो गई है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आप सभी का स्वागत। हाल ही में रामटेक तालुका विधि सेवा समिति और तालुका बार संघ रामटेक के तत्वाधान में सिविल कोर्ट रामटेक के आयोजित राष्ट्रीय महालोक अदालत द्वारा नियुक्त एक पैनल के समक्ष कुछ मामलों को रखा गया था। इनमें दीवानी, फौजदारी और पूर्व दाखिल मामलों जैसे कुल 67 मामलों का फैसला सुनाया गया। कुल 5,29,000 रुपए में समझौता कर मामला सुलझा लिया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता तालुका विधि सेवा समिति की अध्यक्ष और सिविल जज HS सतपुते ने। इस अवसर पर लोक अदालत के कार्यक्रम में एसोसिएट सिविल जज श्रीमती DS सरदा ने, सेकंड एडवोकेट सिविल जज RR शिरेकर ने शिकायत की। लोक अदालत में मंच पर मौजूद पदाधिकारियों के साथ पहुंचे सिविल जज HS सतपुते व पार्टी बैंक के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तालुका वकील संघ के सचिव MV एयरपुड़े, जय श्री मिंघारे, सुरभि खंडलवार, साथ ही आनंद गजबीय, अरविंद कारेमोरे, वाहने हटवार और तालुका वकील संघ के अन्य सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय महालोक अदालत के अध्यक्ष एंड सिविल जज HS सतपुते ने अपने भाषण में लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की ताकि समय और धन की बचत हो। महालोक अदालत के अवसर का लाभ उठाकर पारिवारिक मतभेद, वाद विवाद और अन्य मामलों को निपटाने के लिए अदालत और लोक अदालत का सहयोग किया जा सके। इस अवसर पर तालुका वकील संघ के कर्मचारियों और अदालत के कर्मचारियों, सहायक अधीक्षक आरती तेलंगे, किशोर उर्कुड़े, वरिष्ठ लिपिक गिरतकर वाकाड़े, कांचन वानखेड़े, गायकवाड़, कनिष्ठ लिपिक गंडे, आकाश येरपुड़े, पंकज कामड़ी और अदालत के कर्मचारियों ने लोक अदालत की सफलता के लिए सहयोग किया। आज सुबह विवेक मंदिर स्कूल के 13 छात्र छात्राएं स्कूल में आते वक्त रिंग रोड विवेक मंदिर स्कूल के सामने रेलिंग से सटकर नीचे ढलान में गिरने से परिसर में हड़कंप मच गया है।
स्कूल व ड्राइवर की लापरवाही की वजह से स्कूली छात्र ढलान में गिरने की वजह से छात्रों के परिवार ने स्कूल तथा ड्राइवर पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसी मांग की है। जिस बस में छात्र छात्राएं सवार थे उस बस में कोई व्यवस्था नहीं थी। बस में घायल छात्रों में 5 छात्र और 8 छात्राओं का समावेश है। प्राइवेट स्कूल लाखों रुपए की फीस लेकर स्कूल चलाते हैं, फिर भी लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। छात्रों की परिवार वालों की मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए। स्टीयरिंग लॉक हो गई, कंट्रोल बचाने के चक्कर में गया तो कंट्रोल हो नहीं पाई, स्टीयरिंग लॉक हो गई है। अच्छा, कितने बच्चे थे उसमें? बचाने की बहुत कोशिश किया, 13 छात्र थे। तो कितना मारे बच्चों को? बच्चों को चोट नहीं एक भी। अब बच्चे कहाँ है अभी? पूरे पूरे पेरेंट्स घर चले गए लेकर। हाँ, मेरे बच्चे वैन से आ रहे थे, हमको जिस तरीके से जानकारी मिली, और ये वैन यहाँ पलट गई। एक मंदिर स्कूल के बच्चे हैं, उनके भी यहाँ बालक भी थे खड़े हुए, बालकों ने भी बोले, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से जो घटना है वो ना हो। इस देश के बच्चे 12-15 जो भी बच्चे थे, अब स्कूल में कैसा, स्कूल प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि अपने गाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं वो ड्राइवर कैसा है, ड्राइवर की लाइसेंस है या नहीं, वो गाड़ी की फिटनेस बनी है क्या नहीं आरटीओ विभाग से, या आरटीओ विभाग की भी जवाबदारी है। एक समिति होती है यहाँ पर, मैं भी शिक्षा सभापति रहा नगर पालिका में, यहाँ एक समिति होती है, समिति में गाड़ियाँ जब चेक होती है तो आरटीओ विभाग के दमकल के लोग आते हैं, तो वो लोग गाड़ी को चेक कर दे कि गाड़ी बच्चे ले जाने के लायक है या नहीं, उसको फिटनेस टेस्ट बोलते। और जो स्कूल प्रशासन है उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, और जो माँ बाप है सबसे ज़्यादा माँ बाप ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके हैं, पैसे उनके लग रहे शिक्षा के लिए। ये सब जानकारी माँ बाप ने भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को पकड़े और छोड़ दिए, स्कूल बस में बैठा दिए, कहीं बैठा दिए। भाई रिक्शे से भेजते तो रिक्शे का बायोडाटा क्या है, ड्राइवर का जो रिक्शा चलाता है, बड़ी गाड़ी है, तो वो सब जानकारियाँ रखना चाहिए, और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके तरफ माननीय जिलाधिकारी हो या जो भी प्रशासन है, आम नागरिक है, जनता, ये जन जागरूक होना चाहिए, भी ऐसी दुर्घटना फिर ना हो। आप पत्रकार लोगों, आप भी इसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। अमरावती धारणी पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले जिला परिषद स्कूल काकरमल के एक शिक्षक ने स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों को पढ़ाना छोड़कर विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी और शराब पीकर कुर्सी पर ही लघुशंका करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। छात्रों ने अपने माता पिता को उसकी हालत देखने के लिए स्कूल में बुलाया। छात्रों के माता पिता ने शिक्षक को जवाब मांगा तो शिक्षक दादागिरी करने लगा। उस शिक्षक का वीडियो शूटिंग करके उसकी लिखित शिकायत व उस पर कार्रवाई करने की मांग धारणी पंचायत समिति के गढ़ विकास अधिकारी महेश पाटिल को दी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने संदेह व्यक्त किया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर भाजपा में गडकरी का पीछा किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने के बजाय केंद्र सरकार अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें संदेह है कि एक दिन इस सीबीआई का इस्तेमाल गडकरी के खिलाफ किया जा सकता है, कन्हैया कुमार ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने आज नागपुर में प्रौद्योगिकी यात्रा का आयोजन किया। कन्हैया कुमार उस रैली में हिस्सा लेने नागपुर आए थे। इस बार उन्होंने केंद्र सरकार पर अच्छा हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि वह युवा है, जोश में लेंगे, मैं होंगे के नारे के साथ आयोजित रैली के माध्यम से देश को बेचने वालों के खिलाफ लोगों को जगाने का काम करेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज देश के सामने चुनौती बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार कंपनियां बिक रही है, यह सब रोकना है तो लोगों को साथ लाने के लिए यह रैली निकाली गई है। तो वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।